यहाँ आपके सामने पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आजकल बोर्ड में पूछने लगे हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए। ये टेबल बना हुआ है जिसमें पोजीशन दिया हुआ है पांच एलिमेंट का। पांच एलिमेंट दिए हुए हैं ए बी सी डी और ई। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोसले ने दिया था वहां से लिया गया है ये क्वेश्चन। इसको देख लीजिए, ये सारा ऊपर में ग्रुप है और यहां पर ये डाउन जो जा रहा है वो पीरियड है। अभी आपको क्वेश्चन पूछ रहा है विच एलिमेंट इज अ मेटल विथ वैलेंसी टू। आपको देखना है इसको और बताना है कि कौन सा ऐसा है जो मेटल है और जिसकी वैलेंसी टू होगी। तो इसका आंसर होगा डी। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप टू में है। तो हमने लिख दिया है डी जो है उसकी वैलेंसी टू होगी। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप टू में मौजूद है। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच एलिमेंट इज लिस्ट रिएक्टिव। तो आपको पता है कि इनर्ट गैस जो होते हैं वो लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, उन वो रिएक्टिव नहीं होते हैं। और उनके बारे में आप जानते हैं कि जो इनर्ट गैसेस हैं हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और हेडन। तो यहां पर ग्रुप 18 में हम देख रहे हैं कि एक ही एलिमेंट है, एलिमेंट सी, ये ग्रुप 18 में है। तो ये जो होगा ये क्या होगा? लिस्ट रिएक्टिव होगा। तो हमने आंसर लिख दिया सी जो होगा वो क्या होगा? लिस्ट रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप 18 में है और ग्रुप 18 में क्या होता है? इनर्ट गैसेस होती हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि डी में और ई में बताइए कि कौन छोटा होगा, किसका रेडियस छोटा होगा। यहां आप डी देख रहे हैं और यहां आप ई देख रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? आउट ऑफ डी एंड ई, डी में और ई में डी का साइज जो होगा वो बड़ा होगा ई से। क्यों? क्योंकि जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम रह जाते हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। ये तो सारे क्वेश्चन जो आपको दिए हुए। इसके अलावा अगर मैं पूछूं कि दो ऐसे एलिमेंट बताओ जिनकी वैलेंसी वन है, अगर मैं पूछूं कि दो ऐसे एलिमेंट बताओ जिसकी वैलेंसी वन है, तो उसका जवाब क्या होगा? ए और बी। अगर मैं यहीं पर पूछूं कि एक ऐसा एलिमेंट बताओ जो हेलोजन है, तो उसका आंसर क्या होगा? बी। बी जो है वो हेलोजन है। हेलोजन में कौन कौन होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टिटटाइन। फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टिटटाइन। इसका 17 होता है, ये 35 होता है एटॉमिक नंबर। तो ये सारे जो है ये हेलोजन कहलाते हैं। हेलोजन का मतलब होता है हेलियोस। हेलियोस मतलब तो सूरज होता है, हेलोस मींस होता है सॉल्ट और जन मतलब जनरेटर, सॉल्ट जनरेटर। ये और ये मिलेगा तो सॉल्ट बनेगा। यहां पर क्वेश्चन को और ट्विस्ट दे सकता है, यहां पर क्वेश्चन को और ट्विस्ट दे सकता है। बोलेगा कि अगर डी और बी, डी और बी अगर कंपाउंड बनाएगा तो बताओ उसका फॉर्मूला क्या होगा। क्वेश्चन को और ट्विस्ट देने के लिए आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि डी और बी मिलकर के अगर कंपाउंड बनाएगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो डी की वैलेंसी टू है और बी का वैलेंसी वन है, तो कंपाउंड जो बनेगा तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डी बी टू। बेसिकली ये मैग्नीशियम होगा या कैल्शियम होगा, ठीक है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा या मैग्नीशियम फ्लोराइड बनेगा और कैल्शियम फ्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। तो इस तरीके से यहां से जो इंफॉर्मेशन हुआ उसके बिहाफ पर हम इतनी चीजों को कंक्लूड कर सकते हैं। और ऐसे ही मैं दो तीन क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं।